हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ डॉक्टर सौरभ। और जैसा कि मैंने बोला था कि नीट पीजी से पहले हर एक वो चीज़ आपको बताऊंगा जो गलती मैंने की है वो आप ना करें। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस कितना ईयर देख लूँ जिससे कि मेरा काम चल जाएगा। तो अगर आप प्रीवियस 100 ईयर भी देख के जाते हो तो भी आपका काम नहीं चलेगा। अभी हमें वो चीज़ करना है जिसमें कि हम लोग मिनिमम एफर्ट्स डालें और मैक्सिमम आउटपुट हो। मैंने क्या किया था, 5 साल सोच रहा था नीट पीजी कर लूँ, 5 साल एम्स कर लूँ और 5 साल एफएमजी कर लूँ। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो वो गलती आप लोग ना करें। 3 ईयर इज़ मोर देन सफिशेंट। 3 साल नीट पीजी, 3 साल एम्स, तो टोटल आपके पेपर हो गए। एम्स के एक साल में 2 पेपर आते हैं तो 6 3 9। और अगर आप लेटेस्ट जो एफएमजी का एग्ज़ाम हुआ उसका अगर एक दो देख सकते हो, वेल एंड गुड। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। इससे ज़्यादा आप कोशिश करोगे देखने की तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मतलब हर एक एग्ज़ाम में 4 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब सिलेबस से नहीं होता है। आप उसको पढ़ने में अपना टाइम जो है वो वेस्ट करोगे, जो कि मैंने किया था। और एट द एंड ऑफ द डे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्वेश्चंस भी बहुत सेलेक्टेड है, उसी को रिविज़न करना है। अगर आप चाहो कि ये टॉपिक आप देखोगे, कोई पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आपको उसे पढ़ के जाना है। जैसे कि आप फिजियोलॉजी में देखोगे, वहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है कि फ्लूड है डायल्यूट कर दिया तो बताओ उसका कंसंट्रेशन क्या है, वो आप देखो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। वायरस से आप देखोगे एचआईवी में बार बार पूछा जाता है। तो वो जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे ना तो आपको उसका पैटर्न पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। प्रीवियस ईयर का बस मतलब इतना ही होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता कि जो बहुत मतलब कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ दिया आप उसे रट रहे हो। एक बार देख लेना है, हो सकता है कि वहाँ पर आपका सेकेंड थाट काम करे और आप क्वेश्चन सही करे हो। तो 3 साल से ज़्यादा नहीं, इसको गांठ बांध लेना है, ठीक है ना। 3 साल से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, एक तो पहले टेंशन बढ़ेगी कि ये भी नहीं पढ़ा है वो भी नहीं पढ़ा है और कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि 3 साल से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। 3 ईयर इज़ मोर देन इनफ। अगर एफएमजी का रिसेंट आप 1 2 साल का देख लेते हो तो वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट करने जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये मैंने गलती कर रखी थी, 5 5 साल वाला फंडा लगाया था, मेरे हाथ कुछ नहीं आया। ये गलती आप लोग नहीं करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।